दोस्तों, लगभग 33 सालों बाद दोबारा रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण को प्रसारित किया गया है और आज भी दर्शकों के बीच वही उत्साह देखने को मिल रहा है जितना उस समय हुआ करता था। इस धारावाहिक में सभी कलाकारों ने दर्शकों के दिलो दिमाग में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी थी और उन्हीं में से एक है लंकापति रावण, जिनकी हंसी में आज भी वही डर बरकरार है जो पहले हुआ करता था। लेकिन आप इनके बारे में तो सब जानते होंगे, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अपनी डरावनी आवाज से सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले ये अभिनेता आज कुल कितनी संपत्ति के मालिक हैं? अगर नहीं तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लंकापति रावण की कुल संपत्ति के बारे में ही जानकारी लाए हैं। अगर आप भी इनकी कुल संपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही इस ब्लॉकबस्टर सीरियल के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेलीविजन का बेहद लोकप्रिय आध्यात्मिक धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता का असली नाम अरविंद त्रिवेदी है, जिनका जन्म 8 नवंबर 1937 को ब्रिटिश राज में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। अगर बात करें इस टैलेंटेड एक्टर के अभिनय करियर की तो अरविंद त्रिवेदी ने गुजराती रंगमंच से फिल्मी मैदान में अपना पहला कदम रखा था, जहां इन्होंने कई गुजराती फिल्मों में काम किया जिसमें देश रे जोया दादा परदेश जोया और जैसल तोरल जैसी एंटरटेनिंग फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि इन्होंने गुजराती रंगमंच के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपने अभिनय का शानदार जलवा दिखाया है, जिसमें बॉर्डर और त्रिमूर्ति जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इन्होंने अधिकतर फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाकर दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट किया है। इनकी इसी खासियत को देखते हुए इन्हें पौराणिक धारावाहिक रामायण में लंकापति रावण का किरदार निभाने का मौका मिला। इन्होंने रामायण में अपने धाकड़ डायलॉग और दमदार आवाज से सभी को चौंका कर रख दिया था। आज ये भले ही एक्टिंग की दुनिया से दूर हों, लेकिन ये आज भी लंकापति रावण के नाम से ही दर्शकों के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। आज इन्होंने अपना रुख इंडियन पॉलिटिक्स की ओर कर लिया है और जहां ये बीजेपी पार्टी के सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। अगर बात करें इस मल्टी टैलेंटेड एक्टर की कुल संपत्ति के बारे में तो आपको बता दें कि अरविंद त्रिवेदी लगभग 16 करोड़ रुपए के इकलौते मालिक हैं। इन्होंने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके जरिए इन्होंने काफी शोहरत के साथ साथ दौलत भी हासिल की है और इसी की बदौलत आज ये अपनी फैमिली मेंबर्स की सभी सुख सुविधाओं को पूरा करने में कामयाब हैं। आज ये कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और ये भी इनकी कमाई का महत्वपूर्ण साधन है। अरविंद त्रिवेदी रामायण में जितने भयंकर और क्रोध वाले व्यक्ति दिखाए गए थे, असल जिंदगी में वो उतने ही शांत हैं और दूसरों की मदद करने वाले हैं। ये लाइफस्टाइल में पैसा खर्च करने से ज्यादा सामाजिक संगठनों में दान करने पर विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, क्या अरविंद त्रिवेदी लंकापति रावण का किरदार निभाने में खरे उतरे थे? आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।